हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो लेक्चर में हमने आपको खाना सोडा बनाने की विधि बताई थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम दामन सोडा बनाने की विधि की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। दामन सोडे का रासायनिक नाम और अणुसूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए और इसके प्रमुख गुणों और उपयोगों को भी लिखिए। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए ब्लीचिंग पाउडर के, खाने सोडो के, सबसे पहले हम रासायनिक नाम और अणुसूत्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिर उसके बाद उपयोग की। इसी तरह खाना दामन सोडा बनाने की विधि को ख़त्म करेंगे। तो अब बात करते हैं हम रासायनिक नाम, यानी दामन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। दामन सोडे का रासायनिक नाम, तो हम बात करते हैं दामन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दामन सोडे का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो साबुन दामन सोडे का आपका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब बात करते हैं इसके अणुसूत्र की। तो दामन सोडे का जो आपका अणुसूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। तो आपका दामन सोडे का जो अणुसूत्र होता है वो Na2CO3.10H2O होता है। अगर हमको हमें अणुसूत्र याद है तो हमें दामन सोडे का रासायनिक नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अणुसूत्र से ही हम रासायनिक नाम बता देंगे। जैसे Na का सोडियम, CO3 का नाम कार्बोनेट, डेका कहते हैं 10 को, 10 को डेका, और हाइड्रेट कहते हैं जल को, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब बात करते हैं हम बनाने की विधि, यानी हम दामन सोडे को बनाते कैसे, बनाने की विधि। अब बात करते हैं हम बनाने की विधि की। अगर आपने कल वाली वीडियो खाने सोडे की अच्छी तरह देखी है तो दामन सोडे की वीडियो, जो दामन सोडा बनाने की विधि है, वो आपको बहुत अच्छी तरह आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमने खाना सोडा बनाया था उसी विधि से हम दामन सोडा बनाने वाले हैं। तो दामन सोडा हमने कल कैसे बनाया था, हमने अमोनिया की अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सोडियम क्लोराइड से कराई थी। तो कल हमने अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सोडियम क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया कराई थी। तो आपका सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना था। हमने क्या करा था, अमोनिया सोडियम कार्बोनेट नहीं सॉरी क्या बना था वाला सोडियम बाई कार्बोनेट बना था। तो हमने कल अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और NaCl की आपस में अभिक्रिया कराई थी, तो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट यानी खाना सोडा बना था और अमोनियम क्लोराइड बना था। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया था, खाना सोडा। तो ये कल वाली विधि है आपकी खाने सोडे वाली। अब इसी से ही हमें प्राप्त क्या करना है, दामन सोडा। तो Na2NaHCO3 ये क्या है आपका खाना सोडा, तो खाने सोडे को हम क्या कर देते हैं, गरम कर देते हैं। हम खाने सोडे को क्या कर देते हैं, गरम कर देते हैं। जब हम खाने सोडे को गरम करते हैं यानी इसका अपघटन करते हैं, इसको तोड़ते हैं ऊष्मा देकर, तो ये सोडियम कार्बोनेट देता है हमें, तो ये हमें सोडियम कार्बोनेट देता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो पहले हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सोडियम क्लोराइड की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। और हम जब सोडियम बाई कार्बोनेट का अपघटन करते हैं NaSCO3 यानी हम जब सोडियम बाई कार्बोनेट का अपघटन करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, दामन सोडा। इसके Na2CO3 तो प्राप्त हो गया है, लेकिन इसमें कितने होते हैं, 10 जल के अणु और होते हैं। अब इसकी हम क्या करते हैं, Na2CO3 की 10 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं।
तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, Na2CO3.10H2O। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी धावन सोडा। तो एक बार और देख ले, जो आपकी खाना सोडा बनाने की विधि थी, पहले उसको यूज़ कर हमने अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जल और NaCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाना सोडा बनाता है। खाना सोडे को हम हीट दे देते हैं यानी इसका अपघटन कर देते हैं ऊष्मा देकर। जब हम इसका अपघटन करते हैं ऊष्मा देकर, तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। हमने इसका फॉर्मूला देखा, हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाने के लिए यानी धावन सोडा बनाने के लिए 10 जल के अणु की आवश्यकता हो रहा है। तो हमने इसकी 10 जल के अणु के साथ अभिक्रिया करा दी तो हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम रासायनिक गुण की, यानी धावन सोडा अपने रासायनिक गुण कौन कौन से दिखाता है, क्योंकि हमने बनाने की विधि की बात कर ली। फिर इसके बाद आता है प्रमुख गुण। प्रमुख गुण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो रासायनिक गुण, अब बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में पहला है आपका ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। तो उसका रासायनिक गुण में पहले एडिंग है ऊष्मा का प्रभाव। जब हम धावन सोडे को, तो धावन सोडे का फॉर्मूला भी आपको बताया था, लिख लेते हैं हम Na2CO3.10H2O और डेल्टा ऊष्मा। डेल्टा का मतलब क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब क्या है, आवश्यकता अनुसार हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो जब हम धावन सोडे को ऊष्मा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है आपका, और जो 10 क्रिस्टल अणु जल के होते हैं वो अलग निकल जाते हैं। तो ऊष्मा के प्रभाव में आपको क्या लिखना है, जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ऊष्मा देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, और जो इसके साथ 10 क्रिस्टल के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पहले जो क्या था, जल रहित सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट था। अब ये क्या होता है, जल रहित, यानी इसमें जल नहीं है। अब सिंपल केवल क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या था, जल इसमें साथ था, यहाँ क्या हो गया, इसमें जल अलग हो गया है। दूसरा देखिए रासायनिक गुण, अम्लोसय क्रिया। दूसरा है आपका अम्लोसय क्रिया। दूसरा रासायनिक गुण क्या है आपकी, अम्लोसय क्रिया। तो इसके अब हम अम्लोसय क्रिया कराते हैं। ये क्या है आपका, Na2CO3। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं रासायनिक गुण में, तो हम डेकाहाइड्रेट नहीं लेते, हम कौन सा लेते हैं, केवल सोडियम कार्बोनेट। यानी इसका जब हमने जल अपघटन करा था तो क्या हो गया था, इसके 10 अणु जल के निकल गए थे। तो सोडियम कार्बोनेट की हम किससे भी कह रहे हैं, अम्ल से। तो अम्ल क्या है आपका, H2SO4। तो सोडियम कार्बोनेट की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये क्या हो गया, इसके दो रासायनिक गुण हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण के होते हैं, यानी जिससे हम पहचान कर सकें कि ये हमारा धावन सोडा ही होता है, कपड़े धोने का सोडा ही होता है। तो धावन का मतलब होता है धोने वाला, सोडा माना सोडा, तो क्या धोने वाला, कपड़े धोने वाला सोडा। तो धावन सोडा एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। तो आपका जो धावन सोडा होता है एक गंधहीन पदार्थ होता है। गंधहीन का मतलब क्या है, इसमें कैसी भी गंध नहीं आती है। और इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, और किसके रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में। जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं, ऐसी धावन सोडे के छोटे छोटे के होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। दूसरा, इसके एक अणु क्रिस्टल में 10 जल के अणु होते हैं। तो देखिए इसका एक क्रिस्टल जो अणु लिखा है तो उसमें कितने, ये 10 जल के अणु होते हैं। तो जो धावन सोडा होता है इसके एक क्रिस्टल अणु में 10 जल के अणु होते हैं। ये जल में विलेय है, यानी जो धावन सोडा होता है आपका, ये जल में क्या होता है, घुला हुआ होता है। यानी हम पानी में डालते हैं ये तो ये होता है, जल में घुल जाता है। अब बात करते हैं हम उपयोग की, यानी हम इसका उपयोग किस में करते हैं। तो इसका उपयोग कांच साबुन उद्योग में होता है, यानी जो बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं कांच के, कागज़ के, उसमें किसका यूज़ किया जाता है आपका, धावन सोडे का यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए होता है। तो इसका उपयोग हम घरों में साफ़ सफाई के लिए, कपड़े धोने में, फर्श वगैरह धोने के लिए करते हैं। इसका उपयोग जल की कठोरता हटाने के लिए, यानी जो जल कठोर होता है उसको कर देता है, ये मृदु कर देता है, मुलायम कर देता है। तो जल की कठोरता हटाने के लिए भी हम धावन सोडे का यूज़ करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।